शुक्रवार को शिव राष्ट्रीय सेना ने आर्य समाज मंदिर में विराट हृदय, अटल व्यक्तित्व, ओजस्वी वक्ता और महान कवि अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा की शांति के लिए शांति यज्ञ का पाठ किया। सभी कार्यकर्ताओं ने गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि कुंड में आहुति देकर ब्रह्मलीन भारत रत्न की आत्मा की शांति के लिए दुआ किया। इस अवसर पर राजकुमार आल्हा, नितेश, रवि, सूरज, निहारिका, शौर्य, अमन, ऋषभ, अभय, रितेश, दीपक, अभिनंदन, संजय, अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संगठन सलाहकार डॉक्टर विनय प्रणयचार्य ने कहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहास्तराय च नमः शिवाय च शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाशु भारत माता की जय। भारत माता की जय। अटल बिहारी अमर रहे। अटल बिहारी अमर रहे। अटल बिहारी अमर रहे। सन 1952 से ही, जब से सन 1947 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसके बाद जब देश का विभाजन हुआ और कश्मीर में जाने के लिए एक विधान, दो प्रधान और दो निशान हुए, कश्मीर का झंडा अलग होता था, कश्मीर में जाने के लिए परमिट बनता था और शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय से उनके साथ रहे। और अटल जी का व्यक्तित्व केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं अपितु विरोधियों के लिए भी एक आदर्श व्यक्तित्व था। उनका व्यक्तित्व एक सर्वसमावेशी व्यक्तित्व था। वे उदार मना व्यक्ति थे, वे एक राष्ट्र पुरुष थे, स्टेट्समैन थे। उन्होंने सारे विश्व के अंदर शांति का संदेश स्थापित किया। राजनीति की शुचिता, राजनीति में केवल द्वेष का ही स्थान नहीं है बल्कि एक स्वच्छ और समावेशी राजनीति किस प्रकार से की जाती है, इसका एक अटल जी उदाहरण थे। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू से किसी विदेशी ने पूछा कि आफ्टर हु यू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया, वन मैन बट ही इज़ एन अपोजिशन, एक व्यक्ति है जो कि मेरे बाद प्रधानमंत्री बन सकता है परंतु वो अपोजिशन में है। लेकिन नेहरू जी की बात सिद्ध हुई और अटल जी भारतवर्ष के 3 बार प्रधानमंत्री बने, एक बार 3 दिन के लिए, एक बार 13 दिन के लिए और एक बार सर्वप्रथम उन्होंने 5 वर्ष की संयुक्त सरकार चलाई जिसमें कि अनेक दल थे। इस प्रकार का एक प्रयोग किया और अटल जी ने 5 वर्ष के अंदर एक काम ऐसा करके दिखाया कि जो 60 वर्ष के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त के बाद नहीं हो सका था वो अटल जी ने करके दिखाया। विरोधी भी आज उनकी जो है सराहना करते हैं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देना हुआ तो सारे कांग्रेस के अंदर, सही विपक्षी दलों के अंदर, सत्ता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि अटल जी के समान जाके संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दे सके। तो मोहम्मद करीम छागला ने कहा था, जो कि उस समय शिक्षा मंत्री थे, कि अटल जी की जवान पर साक्षात सरस्वती विराजती हैं और अटल जी ने जाके संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था और वह जाके इतिहास बना और तभी से हिंदी में भाषण देने की परंपरा प्रारंभ हो गई। तो इस प्रकार से आज अटल जी हमारे बीच नहीं हैं परंतु गया है, लाइफ ऑफ ग्रेट मैन ऑलवेज रिमाइंड्स अस वी कैन मेक अवर लाइफ सब्लाइम। हम महापुरुषों के समान उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है कि हम उनके फुटप्रिंट्स पर, उनके पदचिन्हों पर चलकर उनके समान अपने जीवन को यदि बना सकें तो यही सबसे बड़ी महापुरुषों के प्रति श्रद्धांजलि होती है। आज अटल जी का व्यक्तित्व हमें पुकार रहा है कि हम उनके पदचिन्हों पर चल के स्वच्छ भारत, स्वतंत्र भारत, विकासशील भारत, विश्वगुरु भारत बनाने के लिए अपने जीवन को उनके अनुसार समर्पित कर सकें तो अटल जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं समझता हूँ कि आज के अवसर पर इतना ही पर्याप्त होगा। ओम।